नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का हमारी चैनल हेल्थ एंड किडनी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब किसी की किडनी फेल हो जाती है तो उसके पास दो ऑप्शन बचते हैं। पहला कि वो किडनी के जो डायलिसिस होते हैं वो करवाए, और दूसरा ऑप्शन कि वो किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाए। अब मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है कि किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन क्यों करवाना चाहिए और वो डायलिसिस से बेटर ऑप्शन क्यों है। तो बहुत सारे लोग किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसको किडनी देगा कौन, किडनी कहां से आएगी, या फिर किडनी डोनर कौन बनेगा। जिनके घर में कोई डोनर होता है, यानी कि जो अपनी खुशी से किडनी देना चाहता है और उसकी किडनी मैच भी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, उसका ऑपरेशन फटाफट और जल्दी से और अच्छा सा हो जाता है। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि उनके घर में किसी की किडनीज मैच नहीं होती, या फिर कोई किडनी देने वाला नहीं होता, या फिर होता है तो उनकी भी तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, अच्छी नहीं रहती, तो उनकी किडनी लेके कोई फायदा नहीं होता। ऐसी कुछ सिचुएशंस होती है। देखो, एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपके घर में किडनी देने के लिए कोई तैयार है, उनकी हेल्थ अच्छी भी रहती है, लेकिन पेशेंट की बॉडी के साथ वो किडनी मैच नहीं होती, जो कि HLA रिपोर्ट में पता चलता है। उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। HLA रिपोर्ट क्या है उसकी पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है, वो भी आप देख सकते हो। तो HLA रिपोर्ट में पता चलता है कि किडनी जो डोनर की किडनी है वो पेशेंट की बॉडी में मैच नहीं होने वाली। तो वहां पर ऐसे रिपोर्ट आने पर, अगर रिपोर्ट में ऐसा आया कि किडनी मैच नहीं होती, तो वहां पर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि यार अब तो हमें कौन किडनी देगा, ठीक है, और फिर वो लोग केडेवर में यानी कि वेटिंग लिस्ट में नाम लिखवा लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। देखिए, सीधी सी बात है, केडेवर में आपका टर्न आने में, आपकी बारी आने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन आप क्रॉस ट्रांसप्लांट बिल्कुल करवा सकते हो यहां पर, क्योंकि आपके पास डोनर है, आपकी फैमिली में डोनर है जो अपनी राजी खुशी से किडनी देना भी चाहते हैं और उनकी हेल्थ अच्छी भी रहती है। किडनी डोनेट करने से डोनर की बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको जिंदगी भर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, तो उनको डोनेट करनी ही चाहिए। लेकिन वो पेशेंट की बॉडी में मैच नहीं हो रही, तो आप क्रॉस ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। क्रॉस ट्रांसप्लांट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो क्या है कि आपको केडेवर के लिस्ट में अपना नाम लिखवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्रॉस ट्रांसप्लांट करवाओगे तो आपका नंबर 6-8 महीने या मैक्सिमम 1 साल में लग जाता है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देख सकते हैं कि घर में कोई किडनी देने वाला है ही नहीं, या फिर किसी की किडनी चले ऐसी है ही नहीं, किसी को कोई बीमारी है, डायबिटीज है, या हाई बीपी रहता है, या फिर बड़ी उम्र के लोग है, तो उन लोगों को केडेवर में नाम लिखवाना चाहिए, यानी कि एक वेटिंग लिस्ट होता है। और इसी के बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो का मैं सेकंड पार्ट भी बनाने वाला हूं, जो बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा, तो वो भी आप देखिएगा अगर आप केडेवर में नाम लिखवाना चाहते हो या फिर केडेवर के बारे में कुछ जानना चाहते हो। इस वीडियो में ये बताना चाहता हूं कि केडेवर में आप किस तरह से अपना नाम लिखवा सकते हो। दोस्तों, जैसे ही नॉर्मल ऑपरेशन होता है, उसी तरह का ये ऑपरेशन में भी थोड़ी कुछ प्रोसीजर रहती है। जैसे कि सबसे पहले आपको कोई भी हॉस्पिटल जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होता है वहां पर जाना है, और पेशेंट की किडनी फेल है उसके कुछ प्रूफ दिखाने होते हैं, जिसमें सबसे पहला रिपोर्ट कि जब आपको पता चला था कि आपकी किडनी फेल है, वो वाला एक रिपोर्ट चाहिए, जिससे पता चलता है कि कब से आपको ये पता चला, तो वो एक रिपोर्ट चाहिए। दूसरा कि जहां पर आप डायलिसिस करवाते हो वहां की भी एक फाइल होगी, तो वो फाइल भी आपको चाहिए। और तीसरा कि अभी लास्ट में जो आपने रिपोर्ट्स करवाए होते हैं वो चीज, ये तीनों चीज ये साबित करती है कि किडनी फेल है और इस बंदे को नई किडनी की जरूरत है, ठीक है, ट्रांसप्लांट करवाने की जरूरत है। तो इतने प्रूफ हो गए। उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी के कुछ प्रूफ्स देने होते हैं, हॉस्पिटल में सबमिट करवाने होते हैं। उसमें होता है आपकी आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड वगैरह वगैरह, लाइसेंस वगैरह, ऐसी कुछ चीजें वो लोग मांगेंगे। साथ में रेशन कार्ड मांगेंगे, क्योंकि रेशन कार्ड में फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम होते हैं, सभी मेंबर्स की एज उसमें पता चलती है, तो आपके फैमिली में कितने मेंबर्स है वो सारी चीजें हॉस्पिटल वालों को पता चल जाए, ठीक है, रेशन कार्ड मांगेंगे। फिर आगे आता है दोस्तों कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि जो पेशेंट है उसके नाम पे कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई जुर्म तो नहीं किया, और यहां का ही रहने वाला है, वो सारी चीजें देखी जाती है, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने एरिया के जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। पुलिस कुछ वेरिफिकेशन करेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पे भी मांगेगी, और उसको आपको मतलब एक हफ्ते में डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल सकता है, अगर जल्दी से प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वही सर्टिफिकेट आपको
अपनी हॉस्पिटल में जमा करा देना है। इतने प्रूफ हो गए आपकी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। और एक्स्ट्रा कैडेवर में एक प्रूफ ये होता है कि आपके घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी किडनी आपको क्यों नहीं चलेगी, उसके लिए आपको प्रूफ जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे कि कोई बुजुर्ग है उसकी किडनी मैच नहीं हो रही, यानी कि उनको डायबिटीज है, ऐसा कुछ है, तो उनके डायबिटीज का रिपोर्ट, अगर कोई दादी है उनके ब्लड प्रेशर का रिपोर्ट, तो वो सारी चीजें आप अटैच करो। या फिर कोई दूर का रिश्तेदार है, ठीक है, मतलब जैसा कोई ऐसा रिश्तेदार है जो किडनी देना नहीं चाहता, तो आप स्वयं ये एक लेटर में लिख सकते हो कि ये मेरे रिश्तेदार तो है लेकिन वो मुझे किडनी देना नहीं चाहता, या फिर मैं उनसे किडनी लेना नहीं चाहता। तो इस तरीके का भी आप एक लेटर में लिख के दे सकते हो, और इसीलिए मुझे कैडेवर में अपना नाम लिखवाना है क्योंकि मेरी फैमिली में कोई मुझे किडनी दे सके ऐसा नहीं है, ये पूरा आपको साबित कर देना है। तो इतने प्रूफ्स आप दे दोगे तो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स की प्रोसीजर खत्म हो जाएगी। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप कैडेवर में तभी नाम लिखवा सकते हो जब आप एकदम हेल्दी हो, एकदम फिट हो। मैंने देखा है कि डायलिसिस के पेशेंट्स को सीने में पानी भर जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर सीने में पानी भर गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या फिर बॉडी में कोई भी दिक्कत है, तो कैडेवर में आपका नाम नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कैडेवर में इंसान एकदम फिट होना चाहिए। माना कि सिर्फ उसकी किडनी फेल है लेकिन बाकी पूरी बॉडी एकदम अच्छे से वर्क करती होनी चाहिए। इसके लिए फिटनेस भी देते हैं वो लोग, बहुत तरह के रिपोर्ट्स करवाते हैं और फाइनली फिटनेस का अप्रूवल देते हैं कि इंसान ऑपरेशन के लिए फिट है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं चाहते कि ऑपरेशन बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो बाकी सारी चीजें अच्छे से काम कर रही होगी तभी आपका ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा। तो इतनी सी जानकारी आपको रखनी है और इस तरह से प्रोसेस करनी है। देखिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि कैडेवर में नाम लिखवा दोगे तुरंत ही आपका नंबर आ जाएगा। सभी ब्लड ग्रुप के पेशेंट्स के लिए ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है और उसकी अलग अलग प्रोसीजर्स भी होती है। कैडेवर में किस तरह से आपका नाम लगेगा, किस तरह से आपकी बारी आएगी, उसके लिए भी एक प्रोसीजर होती है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताने वाला हूं, तो वो वीडियो भी आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रोसीजर में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कुछ पता नहीं चल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और भी कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हो दोस्तों। और मैं उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो शायद आपको हेल्पफुल होगा और आप धीरे धीरे अपने ऑपरेशन की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि बेशक डायलिसिस से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन, और मैं चाहता हूं कि हर एक किडनी पेशेंट ट्रांसप्लांट करवा ले और उसके बाद बहुत ही अच्छी लाइफ जिए। तो दोस्तों, और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।